नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उधम सिंह नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आज ग्राम सभा अमियाबाला व मुरलीबाला में पहुंचे अधिकारी। खबर देवभूमि। उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दो गाँव से है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाया जा रहा कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज ग्राम सभा अमियाबाला व मुरलीबाला में पहुँचे अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद किया व केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, खाद्य आपूर्ति से क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अधिकारी विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, विकास परियोजना अधिकारी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सहकारिता विभागीय अधिकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री सुदेश चौहान, प्रधान अमियाबाला गुलशन जहां मौजूद रहे, वही विभाग के अधिकारियों ने अपने विभाग की सरकार की योजनाओं से अवगत कराया तथा ग्रामीणों की समस्या का मौके पर समाधान कर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। अपने संबोधन में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शाहनवाज ने बताया कि अपने थोड़े से भी कार्य करने के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए ये सरकार की अच्छी पहल की सरकार आपके द्वारा आपकी हर समस्या को सुनकर समस्त अधिकारियों के सामने तुरंत निराकरण का सहयोग करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान व संचालन शंकर कोहली ने किया। कार्यक्रम के अंत में समस्त अधिकारियों व ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ ग्रहण कराए। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। संकल्प यात्रा जिसका दूसरा चरण 3 नवंबर से माननीय मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है, आज ग्राम पंचायत आलमपुर और ग्राम पंचायत मुरलीवाला दो गांव में ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें हमारे जितने भी विभाग होते हैं उनके सभी अधिकारियों को यहां बुलाया जाता है कि समस्याओं को सुने भी और जो अपने डिपार्टमेंट की योजनाएँ हैं उन योजनाओं को घर घर तक, हर जन तक पहुँचाने का काम भी करें। हमारे जसपुर विधानसभा लगभग आधे से ज़्यादा गांव में कार्यक्रम हो चुके हैं और अधिकतर कार्यक्रम में मैं पहुंच भी रहा हूं। मैंने ये देखा है कि लोगों के, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं था कि इस डिपार्टमेंट की योजना आई है। कृषि विभाग की योजनाओं का नहीं पता था, उद्यान विभाग की नहीं पता था, जैविक एक डिपार्टमेंट अलग से उसकी योजनाओं का लाभ नहीं पता था। समाज कल्याण की बहुत योजनाएँ ऐसी हैं जिनका लोगों को लाभ मिला है, जैसे पेंशन की अवस्था थी, पेंशन में से शादियों को लेकर, शादियों में कई ऐसे विवाह हैं जिसमें 50,000 का अनुदान है, लेकिन हमारे जनता को ये पता नहीं था कि किस तरह से इस काम को करना चाहिए, किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसको हर जन को अगर थोड़ी सी रुचि लेके और एक काम जैसे एप्लीकेशन दी जाती है अगर उस तरह से करेंगे तो बहुत लाभ होने वाला है। विकसित सकल यात्रा का प्रोग्राम हर ग्राम पंचायत में कराया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज हमारी ग्राम पंचायत वाला ग्राम अमियावाले में प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता और गांव के सम्मानित जनता ने प्रतिभाग किया। जनता को जो है सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुँचे जिन्होंने यहाँ पर सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में बताया, जिसे अभी जनता को जागरूकता नहीं थी कि सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएँ चलाई जा रही हैं, क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो आज जानकारी मिली तो गाँव में खुशी का माहौल है, सबको अच्छा लगा कि जो है बहुत अच्छे से कोई भी योजना क्रियान्वयन की सरकार द्वारा की जाए उसको लाभ मिल सके। इसी खुशी का ड्रोन के माध्यम से जो है किसानों को यहाँ पर उसकी भी सुविधा के बारे में कैसे कैसे करना है वो भी बताया गया, सारी सुविधाएँ यहाँ पर हर विभाग से बताई गई जिससे जनता में काफ़ी खुशी का माहौल है। हर विभाग के अधिकारी हम ही पहुँचे, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर आए दिन शाम के समय गुलदार घूमते रहते हैं तो किसान में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो मैं वन विभाग के जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों से गांव की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और जल्दी जल्दी गुलदारों को जो आतंक है उससे निजात मिल सके।